ये क्या कर रहे हैं आप? गरीब पशुनाथ जी, माफ कर दीजिए, इसे दूसरे गांव से है, ये भूल से आपके इलाके में आ गया। हमारे गांव और आपके इलाके के कानून और तौर तरीके से बिल्कुल अनजान है। गरीब, तुम इन्हें कैसे जानती हो? ये इस जंगल के सदियों से वासी और ये कस्बा इनकी हद है। सालों पहले हम गांव वालों और इनके बीच एक समझौता हुआ था, ना ये हमारे गांव की तरफ आएंगे और ना ही हम जंगल में इनकी तरफ। और हर बड़े त्योहार और इनके खास उत्सव में ये मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने जरूर आते हैं। और मैं भी शंभू बाबा के लिए जड़ी बूटी और फूल चुनने यहाँ जंगल में आती जाती रहती हूँ, इसीलिए ये लोग मुझे इतनी अच्छी तरह जानते हैं। इससे भूल हो गई है पशुनाथ जी, इसे माफ कर दीजिए। भूल एक बार हो गए है, बार बार नहीं। हमारे नियमों का उल्लंघन करके रात में हमारे इलाके में तकाई झकाई करना भूल नहीं है। पता नहीं ये किस खोज में यहाँ आकर हमारे नियमों का उल्लंघन करता रहता है। ऐसा क्या है इस जंगल में जो यहाँ आने पर इतनी रुक टुक? क्यों आपने जंगल की सीमा को लक्ष्मण रेखा बना रखा जिसे कोई पार नहीं कर सकता? क्योंकि हमारा मुखिया, हमारे सिर कटे वीर, उसका टुकड़े टुकड़े कर डालता है। मुखिया, सिर कटा वीर? ये है हमार गांव की लक्ष्मण रेखा। बाहरी दुनिया का कोई भी आदमी जो ही इस लक्ष्मण रेखा पे पांव धरा, वो वहीं मरा। और तू चाहे भी तो हमारे वीर, हमारे परम वैभव तुझे इस लक्ष्मण रेखा के पार जाने नहीं देंगे। कौन है ये वीर? वो हमारे वीर, हमारे परम योद्धा, हमारे भगवान जो इस जंगल में राज करते हैं, भगवान सुकुमा। जाना है बाहरी आदमी का रात में इस जंगल में आना सिर्फ हमारे नियमों का उल्लंघन करना नहीं बल्कि हमारे भगवान का अपमान करना भी होता है, समझे? समझ गया। वहां गांव में सूर्यास्त के बाद यदि कोई मंदिर में प्रवेश कर जाए तो भगवान काल भैरव उसे दंडित करते हैं, और यहाँ जंगल में अगर रात को कोई आता है तो उसे आपके भगवान दंडित करते। कितनी अजीब बात है ना, आप सब लोगों ने चारों तरफ मौत और खौफ के देवता खड़े कर रखे। हमारी भक्ति और हमारे भगवान का मजाक उड़ाता। हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पशुनाथ जी, माफ कर दीजिए इसे, ये इस इलाके का नहीं है ना, इसीलिए हमारे रीति रिवाज ना जाने, इसे माफ कर दीजिए।
मैं आपको वचन देती हूँ ये दोबारा इस इलाके में नहीं दिखेगा। माफ कर दीजिए। बहुत मदद की है तन्ने और तुम्हारे बाऊजी ने हमारे हमारी बीमारी में तुम लोगों ने बहुत सहायता की है। धूप में हमें दान दिया है। बहुत सहायता की है तुम्हारे बाऊजी ने बस उसी कर्जे का मान रखते हुए। इस बार हम इसे छोड़ते हैं लेकिन समझा दे इसे। हर बार तू और इसका भाग इसकी रक्षा ना कर पाएगी। दोबारा ना दिखे यहां। ना दिखेगा। मैं वचन देती हूँ नहीं दिखेगा। बहुत आभार आपका। राहुल राहुल चलो। राहुल क्या कर रहे हो? चलो अरे नम्रता जी आप कैसी हैं आप अभी भाभी? और मिंटी कहीं दिखाई नहीं दे रही। बहुत दिन से स्कूल भी नहीं आई। मैंने सोचा मैं ही उसे देखने चली आती हूँ। सब ठीक है ना? दरअसल कुछ दिनों से मिंटी को बुखार आ रहा है। चुचाने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं उसे देख सकती हूँ एक बार? हाँ प्लीज आइए ना आइए। मिंटी मैम आराम से मिंटी अब कैसा लग रहा है तुम्हें? मम्मा ने बताया मुझे आपको बुखार हो गया है। कोई बात आप जल्दी ठीक हो जाओगे। वैसे आपको पता है आपकी स्टोरी बुक से आपको कितना याद कर रही थी। आप बहुत दिनों से उनसे मिलने नहीं आई ना, तो मैंने सोचा कि मैं उनको आपके पास ले आती हूँ। ये देखो। थैंक यू पाप। अब मैं आपको एक बढ़िया सी स्टोरी पढ़कर सुनाऊंगी। कौन सी वाली आप बताओ। मैं चाय लेके आती हूँ। हाँ क्यों रही है? नम्रता मिंटी मिंटी जब से उस मंदिर से लौटी है उसको बुखार चढ़ते ही जा रहा है। मैं इतना ध्यान रखूं इतनी दवाइयां दी पर कुछ ठीक नहीं हो रहा। नम्रता मुझे बहुत डर लग रहा है। बस मन में एक ही सवाल आ रहा है कि कहीं मेरी बच्ची को कोई सजा तो नहीं मिल रही ना। राहुल को तो अभी भी ये सब कुछ अंधविश्वास ही लग रहा है लेकिन एक माँ के लिए जब बात उसकी बच्ची की हो तो विश्वास अंधविश्वास सब परे हो जाता है। बस मन में एक ही डर लगा रहता है कि कहीं मेरी बच्ची को कुछ। भाभी प्लीज मिंटी को कुछ नहीं होगा। आप हिम्मत से काम लीजिए। कोशिश तो कर ही रही हूँ ना नम्रता लेकिन मैं जब भी मिंटी का चेहरा देखती हूँ मेरा सारा हौसला टूट जाता है। एक बात बताओ नम्रता तुम तो यहाँ बचपन से हो ना तो तुम्हें तो यहाँ की काफी सारी चीजों का पता होगा। तो क्या ये भगवान काल भैरव और उनका प्रकोप ये सब जो बातें हैं क्या वो सच है? भाभी मैं भगवान और उनकी शक्तियों में विश्वास करती हूँ पर ये नहीं मानते कि उनका अस्तित्व किसी मंदिर या मूर्ति में ही होता है। भगवान तो हर जगह है। मंदिर के अंदर मंदिर के बाहर इंसान के दिल में यहाँ तक कि
एक माँ के अपनी बच्ची के लिए प्यार में भी। तो जब माँ के प्यार में ही भगवान है तो उस बच्ची की रक्षा खुद ब खुद हो जाती है। इसीलिए कह रही हूँ, आप विश्वास रखिए, मिंटी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तुमसे बात करके मन हल्का हो गया। थैंक यू। सही तो कहा उन्होंने, ये तो तुम्हारे भाग अच्छे थे जो मैंने तुम्हें देख लिया और मैं समय पर आ गई, वरना आज तो पता नहीं क्या हो जाता तुम्हारे साथ। ये कस्बे के लोग बहुत खतरनाक होते हैं। क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? कुछ भी हो सकता था, मरने का शौक चढ़ा है। कबीले के लोग बहुत बहुत खतरनाक होते हैं, उनसे तो दूर ही रहना अच्छा होता है। आज तो मैंने तुम्हें देख लिया। ये कुत्ता तो उन आदिवासियों के मुखिया के साथ है, क्या इसका मतलब ये भी मंदिर के रहस्य में शामिल है? बहाने ढूंढते रहते हो तुम। मुझे एक बात बताओ कि तुम ऐसे राहुल अब ये कहां गया? तुम्हारा कुछ दिमाग खराब है क्या? तुम क्या फिर वहां चले गए थे? वो मुझे कुछ आवाज आई थी तो मैं अभी फंदा छुड़ाया गले से, तुम फिर वहां लटकने चले गए। तुम क्यों अपनी जान के दुश्मन बने बैठे हो? कम से कम प्रीति भाभी और मिंटी के बारे में तो कुछ सोच लिया होता, कैसे रहते वो तुम्हारे बिना? और तुम रह लेती? तुम्हें तो मुझसे बात भी नहीं करनी थी ना, तो फिर मेरी इतनी चिंता क्यों? क्यों बार बार मुझे बचाने के लिए दौड़ी चली आती? कुछ पूछा है मैंने तुमसे, जवाब दो। राहुल, भूल से भी इस गांव में किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने तुमसे बात की। अगर ये बात किसी को भूल से भी पता लग गई तो। पूछा कुछ और जवाब कुछ और, बात को टालने का अच्छा तरीका है। जरूरी तो नहीं कि हर सवाल का जवाब हो, और अगर हो भी कोई जरूरी तो नहीं वो जवाब देने लायक हो। राहुल जल्दी चलो, कहीं आदिवासी ना आ जाए।
अमृता तुम यहाँ? हाँ वो मैं भाभी और मिंटी से मिलने आई थी, बहुत दिनों से मिलने बीमार चल रही। अच्छा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो ना। यहाँ नहीं कहीं और चलते, मंदिर से जुड़ी बात है। आजकल जब भी मंदिर का नाम लेता हूँ भाभी बहुत घबरा जाती है, तो चले? चलो। क्या लगता है तुम्हें कबीले का सरदार जो बातें कह रहा था वो यकीन करने लायक है? मुझे लगता है वो सच कह रहा है। तुम्हारा मतलब है कि ये सच है कि जंगल के उस हिस्से में वो सरकटा लड़ाका घोड़े पर घूमता है? उनका रक्षक, उनका भगवान? बात विश्वास की है राहुल। कहते हैं कि आज से हजारों साल पहले शकुमा नाम का आदमी इन आदिवासियों का मुखिया हुआ करता था। जब कुछ बाहरियों ने इस गांव पर और आदिवासियों पर हमला किया तो उनसे इस जंगल को बचाने की लड़ाई में शकुमा का सर कटा था। पर उसकी मौत के बाद भी आज तक इस जंगल को या यहाँ के आदिवासियों को कोई भी बाहरी नुकसान नहीं पहुँचा पाया। तो आदिवासियों का ऐसा मानना है कि शकुमा की आत्मा आज भी उनकी रक्षा करती है। कहानी अच्छी है नम्रता, पर ये सिर्फ कहानी सच नहीं। मुझे लगता है कि लोगों को जंगल से दूर रखने के लिए ये खौफ पैदा किया गया था, ठीक उसी तरह जैसे कि मंदिर से रात को लोगों को दूर रखने के लिए भगवान काल भैरव के प्रकोप का खौफ पैदा किया गया था। लेकिन इन दोनों बातों का आपस में कोई तो रिश्ता है। मतलब? मंदिर की तरह ही जंगल का राज उसकी गहराई में छुपा हुआ है। इन दोनों बातों के बीच में कोई तो तार जरूर है और मुझे वही तार खोज कर निकालना है। फिलहाल तो मुझे लगता है तुम्हें अपना ख्याल रखने की जरूरत है। अरे क्या हुआ? मुझे लगता है मुझसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत तुम्हें है। वैसे अब क्या करोगे तुम? मंदिर और आदिवासियों के बीच में जो राज है आज की रात उस राज से पर्दाफाश करने की रात होगी। बारह बज गए। दिल कहता है कि कुछ तो जरूर होगा। इसका मतलब मेरा शक सही था। ये लोग यहां क्यों रुके? लड़की कौन है और यहां इन लोगों से क्यों मिलने आई?